बिरला सॉफ्ट कल बाजार के दौरान आए थे नतीजे, मैं आपके सामने नतीजे रख दूं। आय में यहाँ पर तिमाही दर तिमाही 2.5% की कमी आती दिखी। डॉलर रेवेन्यू करीबन करीबन 3% घटा है। एबिट 13% घटकर आया है। मार्जिन आए हैं 13.1%, जबकि हमारा अनुमान 14.4% का था। मुनाफा 150 करोड़ पर आया है 16% घटकर। तो अनुमान से थोड़े से नतीजे कम रहे स्टॉक पे कल भी थोड़ा दबाव था, आज भी थोड़ा दबाव है। आइए इन नतीजों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आंगन गुहा साहब। और आंगन गुहा साहब, पुणे यूनिवर्सिटी से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है, शिकागो यूनिवर्सिटी से आपने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स किए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं आपको सवाल पूछूं, सर आपको संबोधित कैसे करूं, आंगन या आंगन? आंगन आंगन, ठीक, राइट सर, थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं गुहा साहब भी कह सकता हूँ, ज़्यादा आसान काम है। तो गुहा साहब बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सर, थोड़े से नतीजे उम्मीद से कम रहे हैं इस तिमाही में, इसकी कोई खास वजह? तो हमारे जो रिजल्ट्स थे, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर फॉर अस, एंड दैट इज प्रेडोमिनेंटली बिकॉज सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वर अबाउट टू स्टार्ट दिस क्वार्टर एक्चुअली गॉट पुश्ड टू Q2. Now we had the people ready, the contracts were signed, but the clients pushed out the start date by a couple of months, which kind of affected Q1. But Anil ji, आपको ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो Q1 result है, जो थोड़ा soft आया है, but last entire years for 5 quarters we've actually delivered quarter on quarter and year on year growth. और ये क्वार्टर पे भी, क्वार्टर वन में भी हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं आया है। गुहा साहब, दो चीजें। एक तो ये कि मैं आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि जनरली मैं इतने मैनेजमेंट से इंटरव्यू करता हूँ, बात करता हूँ, अगर मैं कहीं गलती से पूछ लूँ कि नतीजे थोड़े कमजोर है तो बोले ना 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 सब अच्छा है, कहाँ कमजोर है। लेकिन आपने बहुत ऑनेस्टली पहले सेंटेंस में एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हमारा डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर है, तो वो एक्सेप्ट करना अपने आप में बड़ी बात है, तभी आप उसको ठीक करते हैं। आपने एक पॉइंट दिया कि कुछ आपके क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने पोस्टपोन किए हैं डिसीजंस, राइट? तो क्या सेकंड क्वार्टर से ये इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा या कब तक आएगा सर? तो अनिल जी, हम अभी 1 अगस्त में बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखोगे जुलाई में सम ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी बैक, काफी हद तक वो काम वापस आ चुका है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग Q2 टू बी अ बेटर क्वार्टर देन Q1, पर वो अभी देखना है। अभी बिटवीन अगस्त एंड सितंबर में हमको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि Q2 में कितना हम ग्रोथ दिखा सकते हैं। राइट नाउ वी आर ऑल फोकस्ड ऑन एग्जीक्यूटिंग फॉर द क्वार्टर। कितना ग्रोथ आएगा वो तो मैं नहीं बता सकता, हम गाइडेंस नहीं देते हैं, बट आई कैन ओनली से दैट Q2 विल बी बेटर देन Q1। परफेक्ट। मार्जिन्स 13% के आसपास आपके हैं सर, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, भले आप ये ना बताएं कितना हो सकता है, बट इससे बेटर रहेंगे ये मान सकते हैं? तो मार्जिन्स में अनिल जी, हम हमेशा इन्वेस्ट करते रहेंगे बिजनेस में, तो मार्जिन्स इंप्रूव यहां से होंगे कि नहीं हम अभी बोल नहीं सकते, बट मैं आई कैन कमिट सो मच दैट यू नो वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस, बिकॉज हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखते हैं, हमको ये बिजनेस अगले दशक के लिए बनाना है। तो वी विल सी हाउ द मार्जिन्स प्ले आउट, वी विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट, और देखते हैं कि हमारा Q2 में क्या नतीजा निकलता है फाइनली। But two things I will tell you, that we will continue to invest in our people, invest in our business, and we will continue to focus on our execution every quarter. Perfect. अगले 1 से 2 साल में deal pipeline कैसी दिख रही है सर, जरा उसका अंदाजा ने? तो हमारा deal pipeline improve हुआ है अभी, we have to close those deals, but if you look at our funnel has gone up from 1.8 billion, it's almost touching 2 billion now. So we are pleased with our deal funnel. पर उनको अभी क्लोज करना है और डील साइन करनी है, तो उसपे थोड़ा सा डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बट यू नो वी आर वर्किंग विद आवर क्लाइंट्स एंड टू सी हाउ फास्ट कैन वी क्लोज द डील्स। ओके सर, एक और चीज आपको हायरिंग से रिलेटेड में पूछना चाहता हूँ, फ्रेशर्स और जो सीनियर लेवल्स पे हायरिंग है उसमें किस तरह का ट्रेंड रहेगा कंपनी में? तो अगर आप लास्ट क्वार्टर देखेंगे अनिल जी, तो वी हायर्ड अबाउट 65 फ्रेशर्स, अभी टोटली वी हायर्ड अबाउट 300 पीपल, आउट ऑफ विच 65 आर फ्रेशर्स एंड बैलेंस आर लैटरल, सो वी आर स्टिल अ पॉजिटिव हायरर इन द मार्केट, आवर वर्कफोर्स इज गोइंग अप, बट इक्वली वी विल ट्राई एंड ऑटोमेट अ लॉट ऑफ आवर बैक एंड प्रोसेसेस टू सी हाउ वी कैन हैव द राइट सेट ऑफ पीपल टू डू द राइट सेट ऑफ जॉब, सो दैट इज व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन।
सर, जेनरिक एआई स्पेस में आपकी कंपनी दिग्गज है, लीडर भी है, और आप काफी समय से इस पे ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। वहां किस तरह का रुझान है, बिजनेस किस तरह का है, डिमांड आउटलुक कैसा है, किस तरह का आपको कारोबार मिल रहा है, जरा वो समझाएं सर। सो बिजनेस आउटलुक इज स्टेबल. Q4 में जो था उसमें से ज्यादा फर्क नहीं हुआ है Q1 में, एंड वी फील दैट द बिजनेस आउटलुक विल बी मॉडरेट ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स. अमेरिका में इलेक्शंस भी हैं तो वो हमको देखना है कि क्या होगा. फिलहाल हम जो कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं, आई मीन वी आर फीलिंग गुड अबाउट इट. तो एटलीस्ट Q2 आई कैन टेल यू विल बी बेटर देन Q1. ओके, परफेक्ट सर। गुहा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर हमें और हमारे दर्शकों को डायरेक्शन दिया और आगे के आउटलुक पर भी बातचीत की। थैंक यू सो मच सर।